वेलकम बैक गाइस, यार आप सभी का स्वागत है यार आज की एक और नई वीडियो में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे लास्ट पायरेट। तो यार ये इस सीरीज का पार्ट टू है यार। आपने पार्ट वन तो देखा होगा, अगर आपने यार नहीं देखा तो यार आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैंने यार इसका प्लेलिस्ट भी बना लिया, आप उधर से भी जाके देख सकते हो। तो यार पिछले वीडियो में तो आपको याद होगा हमने अपने शिप को जो ये आप पे दिख रहा है उसको लेवल 2 तक अपग्रेड कर लिया था। तो आज हम यार इसको आगे भी अपग्रेड करेंगे। तो चलो यार सबसे पहले गेम जो बता रहा है हमको उधर जाने के लिए, तो फटाक से यार हम लोग उधर चलते भाग के और देखते वो क्या है। और ऊपर आ रहा है मैसेज में एक्सप्लोर एन अबंडेंट वेयर हाउस। हमको वेयर हाउस को जो है एक्सप्लोर करना है। तो बिना किसी देर के फटाक से वहाँ पे बढ़ते और हाथ में हथियार ले लेते, क्या पता उधर क्या हो। और भाई साहब ये हम और भी मैप को एक्सप्लोर करेंगे आज की वीडियो में। ये ओ भाई भाई साहब ये भाई यार ये भेड़िया है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये क्या भाई वो क्रैब है जैसे कि आप भाई ये व्हाइट भेड़िया भाई ये पोलर बेयर है नहीं नहीं हाँ व्हाइट भेड़े। भाई साहब यार इस गेम में बहुत ज्यादा डेंजर होने वाला है। मैं फटाक से भाग के उधर जाता हूँ और देखता हूँ क्या है। ओके भाई साहब ओ नो किल द वुल्फ आ रहे ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो। और भाई साहब इधर बहुत सारे वुल्फ है, सबको मैं कैसे मारूंगा यार। भाई यार बहुत डेंजर है ये वुल्फ। और किसको मारना है, कौन से वुल्फ को? ये अच्छा ये वाले को, बच के रहना भाई। ओके इसको मारते हो। ओ भाई ये मार रहा है मेरे को भाई, ये फटाक से मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, इसको फटाक से मारते हो 10-5। ओ भाई मैंने मार दिया इसको। ओ भाई इधर इधर जैसे कि आप देख सकते हो एक और फाइट, पीछे ये दो क्या है भाई हड्डिया फाइट कर रहे भाई। यहाँ पे ये दोनों को मैं पास में मार के देखूँ क्या। नहीं नहीं वो लोग अपना लड़ रहे, मैं भिड़ना नहीं चाहता। और यहाँ पे एक पायरेट है भाई हमारा साथी, और इसने क्या दिया हमको। ओके ये क्या है भाई हमारे इन्वेंट्री, ये क्या है। ओके ये अच्छा ये हेल्थ जो है हेल्थ को इंक्रीज करने में काम आता है। तो फटाक सर हम अपने हेल्थ बढ़ा लेते, थोड़ा 25% हेल्थ बढ़ चुका है। और ये क्या हुआ, ये आवाज़ कैसे भाई। ओके हमको शायद से अभी शिप के इधर जाना है। टूल्स रिसीव्ड दिखाई दे रहा हमको जिसे आप देख तो। और भाई साहब वहाँ पे एक और भेड़िया है, वो मेरे को अटैक तो नहीं करेगा। पहले तो यार ये गोट को, गोट भी भाग गई। फटाक से मैं चलता हूँ अपने शिप के इधर और देखता हूँ क्या है उधर। ये गोट को मैं मार दूँ तो अच्छा है, लेकिन ओ भाई मेरे पीछे साथ भेड़िया पड़ रहा है। भाई साहब यार ये गेम में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फटाक से हम लोग अपने शिप के पास देखते और शिप के पास जाते और देखते क्या है वो शिप के पास, क्या कोई अपग्रेड आया है या फिर क्या है, देखते चलो। और भाई साहब यार मेरे को बहुत ज़्यादा भूख भी लगी जैसे आप देख सकते हो। पहले तो यहाँ पे मुर्गी है, फटाक से इस मुर्गी को मारता हूँ मैं। अरे रुक जा भाई मेरे को खाना चाहिए, रुक जा मर जा। ओके ये मर चुकी है, अब फटाक से इसमें से अंडा ले लेता हूँ और इसको खा लेता हूँ। फिर भी आप भूख तो बहुत लगी 30%। और ये क्या है, हमको शायद अपग्रेड करना है शिप को। और शिप को अपग्रेड करने के लिए यार हमको 100 स्टोन्स चाहिए और वुड चाहिए बहुत सारे, तो वो तो हम करते रहेंगे। लेकिन यार मेरे को ओके यहाँ पे एक चेस्ट है गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, और इसमें हमको कुछ मिल सकता है और टेक करते। ओके यहाँ पे हमको स्टोन मिला और ये बॉटल और बॉटल विथ ट्रेजर मैप टेक ऑल कर लेते। और ये कुछ तो है, बाद में काम आएगा शायद इसका। और भाई साहब यार हम पहले तो यार कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेते क्योंकि हमारे पास जो मीट है उसको हम पका के, एक सेकेंड ये मुर्गी को मार दूँ। ओके रुक जा भाई, अरे भाग किधर रही है यार, रुक जा मर जा। ये ओके इसको मार दिया, इसमें से फटाक से हम अंडा ले लेते और अंडा को खा लेते फटाक से। अब फटाक से हम लोग जो है बॉन्ड फायर को लगा मतलब कंस्ट्रक्ट करते क्योंकि अब बॉन्ड फायर को बनाने से हम जो हमारे पास जो मटन है ना उसको हम खा सकते पका के। और ये कैंप फायर सॉरी, और उसके लिए हमको बहुत सारे स्टोन चाहिए। तो फटाक से चलो हम लोग स्टोन को पहले माइन करते, स्टोन कहाँ पे मिलेगा, ये रहा एक स्टोन भाई। चलो इसको फटाक से तोड़ते और हम अपने लिए कैंप फायर बनाते और बहुत सारे स्टोन। ये खरगोश तू तो गया फटाक से इसको भाई यार रुक जा। ओ वहाँ पे जंगली सुअर है, उससे मैं पंगे नहीं लेना चाहता हूँ। तो फटाक से यार हम लोग अपना पत्थर तोड़ते और बनाते अपना कैंप फायर। और राइट गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो है पेड़ और लकड़ियों को तोड़ दिया है। और अब हम यार सबसे पहले जो है अपना कैंप फायर बनाते और इसके लिए सामान हमारे पास आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे 2 मिनट 38 सेकंड का टाइम लगेगा यार उसको पूरा होने में। तब तक यार हम अपना शिप को देखते क्या हम इसको अपग्रेड कर पाएंगे या फिर नहीं। तो चलो यार ओके यार इसके लिए बहुत सारे सामान अभी भी मेरे को चाहिए। तो फटाक से यार तब तक मैं यहाँ पे और भी बहुत सारी है। और भाई साहब मेरे भूख और प्यास के कारण
मेरी हेल्थ चली जाएगी, मेरे पास बहुत कम जो है वो सब बाकी है। तो फटाक से यार हम कैंप फायर को भी बना देंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई साहब यार यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, अब तक कैंप फायर नहीं बना। तो मैं यहाँ पे सोच रहा यहाँ पे जो जंगली सुअर है उसको क्यों ना मजे के लिए मार दिया जाए। और भाई ये गुस्से में आ गया, ये हमको मारने के लिए आ रहा है, इसको तो मैं मार के रहूँगा आज कुछ बोले। ओके ए, इसका 30 हेल्थ है। अरे मार क्यों नहीं रहा यार, मेरा कैरेक्टर को क्या हुआ भाई? मार देगा वो भाई साहब, मैं मरने वाला। भाई 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 मेरा हेल्थ देखो गाइस यार, मैं फटाक से यार ये क्या है? हाँ अरे यार ये तो दूसरा कुछ हेल्थ कैसे बढ़ाया जाए यार? ये भाई साहब मालूम नहीं मेरे आसपास जो इसके मीट जो है मीट मिला है, फटाक से मीट ले लिया जैसे कि आप देख तो। और हेल्थ बढ़ाने के लिए भाई यार मेरा कैंप फायर कब बनेगा? मेरे को जल्दी से खाना कुक करना, और या फिर रात भी हो गया यार, आगे अंधेरा भी हो गया, मैं हेल्थ कैसे बढ़ाऊँ मेरे को समझ में नहीं यार कुछ। हाँ गाइस यहाँ पे कैंप फायर जो है आज का, अब फटाक से यार हम इसको लगाते हैं और देखते यार। और इसके अंदर पहले तो खाना, इसको मैं घर से आगे ही थोड़ा इधर लगाना चाहता हूँ, घर के आगे, घर के अंदर नहीं, घर के अंदर यार कैसा कैंप रहता है। और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसके अंदर जो है हम अपना खाना डाल देते थोड़ा पकाने के लिए। और ये डाल सकता हूँ कि मैं, नहीं यार इसको नहीं डाल सकता, इसको डाल सकता हूँ फटाक से। इसको जो है हम पकाते सेट फायर, और ये पक चुका शायद, नहीं पक रहा है। ओके भाई साहब ये पक चुका है जैसे कि आप देख सो। और पहले तो इसको मैं भुजा देता हूँ, और गलती से मैंने इसको एक हीट मार दिया, उसकी वजह से इसका हेल्थ कम हो गया। तो यहाँ पे चिकन पक चुका है, इसको हम खा लेते। और भाई साहब इससे 30 खाना अच्छा खासा हमारा जो पेट भर गया। और जो हमको यार शिप को अपग्रेड करने के लिए यार बहुत सारे जो है वुड चाहिए, और वुड यार मेरे पास बहुत, वुड बोल रहा हूँ, वुड भी चाहिए और स्टोन भी चाहिए। तो स्टोन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है यार, स्टोन मिल ही नहीं रहा। फटाक से मैं पहले वुड को है जो काट लेता हूँ, और हेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए मेरे को मालूम नहीं यार गाइस। फिलहाल तो हम यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं, लकड़ियाँ तोड़ लिया और यहाँ पे खाना मिल गया मेरे को, मतलब यार ये क्या बोलती है, इसको नारियल मिल गया। फटाक से हम एक नारियल को पी लेते। भाई साहब यार लकड़ी का इंतज़ाम तो हो जाएगा यार, उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार इस आइलैंड पे जो है ना पत्थर बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर है पत्थर। और पत्थर यहाँ पे एक पत्थर दिख रहा है, इसको ले लेता हूँ मैं। लेकिन यार एक एक पत्थर से कुछ होने भी नहीं वाला मेरे को यार, पूरा 100 पत्थर चाहिए तब जाके काम होगा। और इसलिए मैं मैप से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। भाई वहाँ पे देखो एक केकड़ा दिख रहा है आपको भाई साहब, वो मेरे को मार भी सकता है, इसलिए मैं उतना भी आगे नहीं जाऊँगा। और ये लास्ट पत्थर इसको लेके मैं पीछे जाऊँगा। और यहाँ पे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर दिख नहीं रहे यार, जिसको मैं तोड़ के अपना काम चला सकूँ। और मेरे आगे जो यार पूरा लाल लाल हो चुका है। और हेल्थ गाइस यार अगर आपको मालूम है ना हेल्थ कैसे बढ़ाए तो मेरे को यार कमेंट्स में बताना, मेरे को यार कुछ मालूम नहीं हेल्थ के बारे में इस गेम में। और मैं जो है पत्थर को इकट्ठा कर रहा हूँ जिसे आप देख सकते हो। तो फटाक से हम लोग बहुत सारे पत्थर को इकट्ठा करते हैं। भाई साहब यहाँ पे मेरे को कुछ तो मिला है जैसे कि आप देख सकते हो, ये कुछ तो है भाई, इसको तोड़ के देखते इसके अंदर क्या है। ओके ये क्या है? अरे यार लेना, वो कुछ तो मिला है यार मेरे को। अच्छा ये खाना मिला, और ये क्या है? क्लोथ मिल गया भाई साहब, इसको शायद से हम बाद में पहन सकते। खैर छोड़ो, हम यार अपना पत्थर ढूंढ रहे थे, और पत्थर ढूंढते मैं इन भेड़ियों के रास्ते में आ चुका जैसे कि आप देख सकते हो। और आगे भाई आगे यहाँ पे पत्थर, इसको मैं तोड़ के लेके जाऊँगा। तो फटाक से, ओ भाई केकड़ा है, केकड़ा कुछ हो ना जाए बस, ये इसको मैं तोड़ के जाता हूँ फटाक से। और इधर बहुत सारे पत्थर है, फटाक से सबको तोड़ के मैं अपने शिप को अपग्रेड करता हूँ। और गाइस यहाँ पे एक और डब्बा है जैसे कि आप देख सकते हो, इसको भी मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे 2 मटके, इनको मैंने कर लिया, उसमें से हड्डियाँ मिली और कुछ लकड़ियाँ मिली। ओ भाई भाई साहब ये भेड़िया मेरे को मारने आ रहा था, खैर मैं बच गया। और यहाँ पे मेरे यहाँ काफ़ी सारे पत्थर जो है इकट्ठा कर लिए। अब फटाक सर हम थोड़ा सा और पत्थर को इकट्ठा करके जाते हैं अपने शिप को अपग्रेड करने। ओ भाई गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यार एक स्केलेटन आ चुका है भाई, ये मेरे को मारने के लिए आया होगा पक्का, लेकिन मैं उससे भिड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास हेल्थ बिल्कुल भी नहीं है भाई। कहा गया, हाँ ये रहा भाई, उसके पास बो एंड एरो भी है शायद से, और मैं उससे नहीं भिड़ूंगा। मैं फटाक से यार अपने शिप को जो है अपग्रेड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे सामान जो है वो आ चुके हैं। तो इधर से मैं अपने शिप को अपग्रेड करता हूँ, और लकड़ियाँ चाहिए थोड़ी सी, फटाक से यार लकड़ी काट के मैं शिप को अपग्रेड कर लेता हूँ। और राइट गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो लकड़ी को भी है जो कलेक्ट कर लिया है। तो गाइस यहाँ पे आप देख तो लेवल अप का ऑप्शन जो है वो अनलॉक हो चुका है। अब फटाक से मैं अपने शिप को लेवल अप करता हूँ। भाई साहब चेंजेस आ रहे हैं इसमें, और धुआं उठ चुका है, और देखते हैं अब क्या चेंजेस आते हैं इस शिप में। ओके गाइस इस शिप में जो है छत लग चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये शिप।
और पीछे पायरेट्स की चिल्लाने की आवाज आ रही है। और भाई ये क्या हो गया? ओ भाई ये कौन है? भाई साहब वो कौन थी? फटाक से यार मैं उसके पास जाता हूँ। और भाई गाइस यार आगे का जो वीडियो है हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो चलो यार गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।